तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू संडे ब्लॉग। तो आज मैं सुबह सुबह ही दुकान गए थे क्योंकि हमारे घर में कोलगेट ख़त्म हो चुका है, इसलिए कोलगेट लेने दुकान गए थे। तो कोलगेट आज हम घर में चिकन खाएंगे, इसलिए हम बाजार जाएंगे, पहले घर जाके मुंह धो लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये देखो, मैं जो कोलगेट लाया हूँ, मेरे पत्नी आप कोलगेट से ब्रश कर रही है, ये देखो। और आज खाने में सुबह को बस चावल ही होगा, चावल आलू, यही देखिए सुबह का खाना, ये देखो ये देखो। कल हमारा गैस खत्म हो चुका था, मैंने सुबह सुबह ही गैस ले लिया क्योंकि पकाने के लिए कल दाल चावल था, तो दाल चावल आधा पक चुका था, तब गैस खत्म हो चुका, फिर मैंने जल्दी से जाके गैस ले आया। ये देखो खाना गर्म हो रहा है, अब चावल छोड़ दे गए, यहाँ पे दे दो चावल, दे दो। आज हमारा घर में सुबह का खाना है बैंगन, टोमेटो और आलू, ये तीनों देकर एक चावल बनेगा, ये हमारा आज का सुबह का खाना है। तो दोस्तों अब हम दवाई खाएंगे क्योंकि मेरे पेट में कुछ दिन से प्रॉब्लम कर रही है, इसलिए हमने कुछ दवाई लाए है, ये देखो दवाई। तो अब हम सुबह को ये खाने का है दवाई, तो मैं अब दवाई खाऊंगा, उसके बाद हम जाके चिकन ले आएंगे क्योंकि आज संडे है और संडे का दिन हम लोग नई मछली नहीं तो ये चिकन खाते हैं। तो पहले मैं दवाई खा लेता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं दवाई खा लेता हूँ, ये देखो दवाई, क्योंकि मेरे पेट में बहुत दिन से गैस बन रहा था और पेट में बहुत दर्द कर रहा था, इसलिए मैंने ये दवाई लाए। तो पहले मैं ये खा लेता हूँ, ठीक है। ये दवाई आधा की आधा आधा पूरा आधा मुझे खाना है। आधा हो चुका। तो दोस्तों ये देखो मेरे दवाई खाना कंप्लीट हो गया है, तो अब मैं लेने जाऊंगा चिकन, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा मेरी पत्नी, ये वैसे भी तो प्रेग्नेंट है 9 मंथ की, फिर भी जाके ये काल उसका माँ को हॉस्पिटल में देख के आ, क्योंकि उसका माँ हॉस्पिटल में चार दिन से बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए माँ को देखने गया था। तो हॉस्पिटल में जाके बहुत दवाई लेना, माँ को देखना, माँ को डॉक्टर को दिखाना, ये सब बहुत जर्नी करने के बाद उसको तबीयत बहुत ही खराब हो चुका था, तो रात को इसे ठीक से नींद नहीं हुआ है, इसलिए अभी तक ये थोड़ा सा बीमार लग रहा है। तो दोस्तों कल एक बात हुआ, मैं जब शाम को घर में काम से आया तो देखा पूरा घर बदबू हो चुका है क्योंकि हमारे घर में एक चूहा मर गया। तो कहाँ पे मरी है हम लोग को नहीं पता, घर में घुसते ही बहुत बदबू आ रहा है, तो कल हमने रात को बहुत ढूंढा पर फिर भी नहीं मिला। तो दोपहर को कोई बदबू नहीं था, फिर रात को शाम को जब घर में आया तो बहुत ही बदबू लग रहा था। ये दोनों तो बाहर बैठा था क्योंकि बदबू के लिए, तो फिर मैंने वो चूहा ढूंढा और उसे पकड़ के बाहर फेंक दिया, उसके बाद हम लोग सो पाए क्योंकि पंखा चालू करने से ही बहुत जोर की बदबू लग रहा था, ठीक है। तो इसलिए हमने कल रात को बहुत ढूंढा, ढूंढते रात 12 बज चुका था, तो फिर हमें मिला वो चूहा, पकड़ के हमने बाहर फेंक दिया, उसके बाद हम लोग सो पाए। तो ये देखो उसकी आंखें देखो, ये लाल हो चुका है, कल रात 12 बज तक सो नहीं पाया, उसके बाद जब सोया तो उसका नींद पूरा नहीं हुआ। तो दोस्तों चलो हम चिकन लेने जाते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे चिकन लेने आया हूँ, चिकन लेने आकर देखा कि चिकन का रेट ज़्यादा मांग रहा है, तो फिर मैंने चिकन का रेट थोड़ा सा कम लेने के लिए बोला, फिर वो 220 रुपये किलो लगा हुआ है। उसके बाद मैंने 400 ग्राम चिकन लिया हूँ जिसका दाम हुआ है 2 रुपये कम, 90 रुपये। तो दोस्तों अभी हमने चिकन दुकान से ले लिया, तो मेरे बेटी नानी के घर गया था, तो वहाँ से आ रहा है मेरे आगे के घर में घुस रहा है मेरी बेटी। हमने आज 400 ग्राम चिकन लाया हूँ, तो ये चिकन से ही हमारा दोपहर और रात को खाना हो जाएगा। सुबह सुबह तो जस्ट हमारा खाना कम्प्लीट हो गया, तुम लोगों को तो मैंने दिखाया था अब जब पक रहा था। तो ये देखो सुबह का खाना आज का यही है, ये चावल और ये खाना, और ये जो हमने चिकन लाया हो ये दोपहर को और रात को खाएंगे हम।
तो दोस्तों चिकन लाने के बाद मुझे बहुत गर्मी लग रही है, पर करंट नहीं, इसलिए फैन भी चालू नहीं हो रहा क्योंकि हमारे घर में करंट ही नहीं है। तो पहले मैं खाना खा लेता हूँ क्योंकि देखो हमारा खाना रेडी हो चुका, तो पहले मैं खाना खा लेता हूँ उसके बाद तुम लोगों से बात करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने सुबह सुबह उठ के ही चिकन लाने के लिए 200 रुपए लिए थे, तो 200 रुपए लेके पहले मैं कोलगेट लेने दुकान गया। तो दुकान से आने के बाद फिर मैंने चिकन लेने गया, वहाँ पे मैंने 100 रुपए की चिकन लिया था। उसके बाद जब मैंने घर आया तो उसके बाद देखा मेरे 100 रुपए खो गया है, कहीं पे खो गया मुझे नहीं मालूम। पूरा रास्ता मैंने ढूंढा, बहुत ढूंढा, घर पे भी ढूंढा, पर पॉकेट चेक किया फिर भी मुझे वो 100 रुपए नहीं मिला। आज हमारा 100 रुपए ही था घर पे, वो भी खो गया रोड पे। तो कल मैं क्या खाऊंगा, और अगर घर पे इमरजेंसी हो तो एक भी पैसे नहीं है, 100 रुपए ही था, वो भी खो चुका है आज हमारा। तो यही लेके हमारा घर में बहुत टेंशन हो गया कि कहाँ पे खोया है, बहुत ढूंढा पर फिर भी नहीं मिला ये 100 रुपए। तो हमने पूरा आइडिया छान मारा, जहाँ भी मैं गया था फिर भी वो पैसा मुझे नहीं मिला, कहीं पे गिर गया होगा, कोई किसी को मिल गया होगा। खैर छोड़ो दोस्तों, जो गया तो सो गया, और ढूंढने पे भी आप नहीं मिलेगा शायद वो पैसे। तो ये देखो मेरी बेटी आप बादाम खा रही है, कल मैंने बाजार से बादाम लाया था, वो ही खा रहा है मेरी बेटी। ये देखो मेरी बेटी फिर से दुकान जाना चाह रही है उसका ठम्मी के पास। दोस्तों आज के लिए इतना ही ब्लॉग, और आज हमारा मूड भी बहुत खराब हो चुका है क्योंकि घर में 100 रुपए था, वो भी खो चुका है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो तुम लोगों को कैसा लगा, और प्लीज ये रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तो अभी तक के लिए टाटा।